पहले देखते हैं इंपेरेटिव पैराडाइम। इंपेरेटिव पैराडाइम डिस्क्राइब्स द डिटेल्स ऑफ हाउ द रिजल्ट आर टू बी ऑब्टेंड इन टर्म्स ऑफ अंडरलाइंग मशीन मॉडल। अब जो भी अगर हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो मशीन की बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ ह्यूमन मॉडल नहीं होगा, वहाँ क्या होगा, मशीन मॉडल। तो ये बात जो करेंगे वो रिलेटेड टू मशीन मॉडल। तो इंपेरेटिव पैराडाइम मतलब इसमें उन डिटेल्स पे हम बात करते हैं जिससे जिसका फोकस होता है टुवर्ड्स अचीविंग सम काइंड ऑफ रिजल्ट, ठीक है, उसमें डिटेल उस डिटेल में बात करेंगे। इंपेरेटिव इंपेरेटिव में इंपेरिकल आप लोगों ने सुना हुआ एक वर्ड होता है इंपेरिकल, तो उसी से बना है इंपेरेटिव इंपेरेटिव, ठीक है। डिटेल्स इंपेरेटिव मीन्स डिटेल्स ऑफ हाउ द रिजल्ट्स आर टू बी ऑब्टेंड और रिजल्ट्स आर टू बी अचीव्ड। और ये जो हम बात कर रहे हैं इन रिलेशन टू मशीन मॉडल। अब इसमें क्या होता है इंपेरेटिव में, जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होके कहाँ जाएगा, ट्रांजिशन एंड उसके बाद ट्रांजिशन के बाद फाइनल स्टेट, ठीक है। विद इन दिस पैराडाइम वी हैव प्रोसीजरल अप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। अभी जैसे डायग्राम में बताया कि इसमें दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है, प्रोसीजरल अप्रोच और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो इसको अगर आप समराइज करने की कोशिश करें इंपेरेटिव पैराडाइम को, तो कैसे समराइज करोगे कि इंपेरेटिव पैराडाइम में हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज फोकस ऑन डिटेल्स डिटेल्स और यू कैन से स्टेप वाइज डिटेल्स। इंपेरेटिव पैराडाइम में जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट से, उस इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करने के बाद आप ट्रांजिशंस पे जाते हैं, अब ट्रांजिशंस के थ्रू आप फाइनल स्टेट पे पहुंचते हैं। तो ये हो गया इंपेरेटिव पैराडाइम। इसके बाद आता है प्रोसीजरल। प्रोसीजरल पैराडाइम आप वर्ड से यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा प्रोसीजर, प्रोसीजरल जो वर्ड बना है वो बना है प्रोसीजर से। तो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आर स्टेटमेंट ओरिएंटेड विद द वेरिएबल्स होल्डिंग वैल्यूज द पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसमें कौन कौन से होते हैं प्रोसीजरल में, एडा ADE ADA, फोरट्रान, फोरट्रान का फुल फॉर्म होता है फोर ट्रांसलेशन, बेसिक, एल्गोल एल्गोरिदम से रिलेटेड होता है, पास्कल, कोबोल, मॉड्यूला और सी, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो प्रोसीजरल हैं। जो आपने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पहले, वो कौन सा है, किस टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसीजरल है, मतलब उसमें प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें वेरिएबल्स, उस स्टेटमेंट्स में वेरिएबल्स होते हैं और वो वैल्यूज को होल्ड करते हैं वेरिएबल्स। आप वर्ड पे भी, आप जो भी वर्ड है ना, कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो उसमें टर्म्स यूज हो रहे हैं, अगर उन टर्म्स को आप ध्यान से देखेंगे तो उसी में आपको बहुत हद तक आंसर पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रोसीजरल में मैंने बताया प्रोसीजरल प्रोसीजर से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसमें प्रोसीजर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, हर चीज़ प्रोसीजर में होती है। देन नेक्स्ट पैराडाइम क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम इज सेंटर्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये पैराडाइम है उसका नाम ही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। किस टाइप का पैराडाइम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऐसा पैराडाइम विच इज ओरिएंटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, इसका ओरिएंटेशन ही ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट का मेन रोल आ जाता है, ठीक है, जिसका सेंट वही जिसका कंसेप्ट ही ऑब्जेक्ट हो तो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। इसमें लिखा हुआ देखिए, एवरीथिंग इज फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। जो भी काम करेंगे हम इस पैराडाइम के थ्रू उसमें फोकस हमारा होगा ऑब्जेक्ट पे। आगे हम जावा भी पढ़ेंगे अभी, तो जावा में, जावा किस टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो उसमें जो भी हम बातें करेंगे उसका फोकस होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, क्लासेस पे बात करेंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट,
कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में आते हैं? C++, साइमुला, स्मॉल टॉक और जावा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में आपके ये क्वेश्चंस आ सकते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में होते हैं। उसमें सिंपली ये भी आ सकता है कि प्रोसीजरल पैराडाइम को एक्सप्लेन करें बाय गिविंग सम एग्जांपल्स। ये भी आ सकता है कि कितने टाइप के पैराडाइम्स होते हैं उसको आप ब्रीफली एक्सप्लेन करें। तो क्वेश्चंस किसी भी तरीके से बन सकते हैं। नेक्स्ट है डिक्लेरेटिव पैराडाइम। डिक्लेरेटिव पैराडाइम में क्या होता है, डिक्लेरेटिव वर्ड इज, इससे समझ में आ रहा है कुछ डिक्लेयर करने की बात हो रही है, ठीक है। इस पैराडाइम में कुछ डिक्लेरेशन होगा। तो इन दिस पैराडाइम प्रोग्राम्स डिक्लेयर और स्पेसिफाई व्हाट इज टू बी कंप्यूटेड विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ इट इज टू बी अचीव्ड। डिक्लेरेटिव हमेशा फोकस इसका होता है इस पैराडाइम का कि क्या कंप्यूट करना है, क्या सॉल्व करना है। इसका फोकस ये नहीं होता कि कैसे सॉल्व करना है, हाउ पे नहीं होता, इसका फोकस होता है व्हाट पे, व्हाट इज टू बी अचीव्ड विदाउट फोकसिंग ऑन हाउ इट टू बी अचीव्ड। ठीक है, इसको हम वैल्यू ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि व्हाट इज वैल्यू ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वैल्यू ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज सेम एज डिक्लेरेटिव पैराडाइम, तो आपको सेम एक्सप्लेनेशन देना है। अब इसमें 2 सब पॉइंट्स थे, फंक्शनल और लॉजिक। फंक्शनल में क्या होता है, अ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। फंक्शनल से आप समझ रहे हैं फंक्शंस की बात हो रही है, तो इसमें कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होते हैं। इसके एग्जांपल आप दे देंगे LISP, ML, स्कीम, हैस्कल, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके फंक्शनल पैराडाइम। इसके बाद जो है सेकेंड इसका पार्ट, वो है लॉजिक पैराडाइम। लॉजिक में मतलब लॉजिक से आपको समझ में आ रहा है, लॉजिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये पैराडाइम एक्सप्लेन करता है व्हाट इज टू बी कंप्यूटेड, नॉट हाउ टू कंप्यूट इट। द प्रोलोग लैंग्वेज इज परहैप्स द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। प्रोलोग आप लोग अभी तो क्या है कि लोग कम यूज करते हैं, ना के बराबर, पहले प्रोलोग बहुत यूज होता था एक लैंग्वेज। तो एक कॉमन एग्जांपल अगर हमें देना हो कि लॉजिक पैराडाइम का, तो हम देंगे प्रोलोग, ठीक है। इसके प्रोलोग का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो क्या है, PRO मतलब प्रोग्रामिंग, LOG लॉजिक, प्रोग्रामिंग लॉजिक, प्रोग्रामिंग और लॉजिक से रिलेटेड है ये प्रोलोग, ठीक है। एक और इसमें लैंग्वेज है मर्करी, ये मॉडर्न अटेम्प्ट है एट क्रिएटिंग अ लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें 2 हो गए, प्रोलोग और मर्करी। यहां तक किसी का कोई डाउट है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए मैं जो कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट्स का थोड़ा ब्रीफ में ही बता सकता हूँ, डिटेल में आपको खुद पढ़ना होगा क्योंकि टाइम कम है और ज़्यादा कंटेंट हमें कवर करना है। तो ओरिएंटेशन के लिए क्लासेस ठीक होती हैं कि कंसेप्ट जो भी हमारे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उनके प्रति आपको ओरिएंट किया जाए, डिटेल में आपको खुद एक्सप्लोर करना है।